चौमू कस्बे में 5 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष समारोह समिति द्वारा निकाले जाने वाली भगवा वाहन रैली को लेकर महाभारत सी छिड़ी हुई है। भगवा वाहन रैली के रूट को लेकर पिछले कई दिनों से प्रशासन व आयोजन समिति के बीच निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्रशासन इस विवाद को अभी तक भी नहीं सुलझा पाया है। भगवा रैली को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति के बीच कई वार्ताओं का दौर चला, लेकिन वार्ता बेनतीजा ही निकली। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने शहर में शांति और सौहार्द बनाने को लेकर कई बार प्रेस वार्ता कर प्रशासन से अंतिम निर्णय देने के लिए कह चुके हैं। विधायक के कल के आह्वान पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग नगरपालिका परिसर में एकत्र हुए, जहां विधायक रामलाल शर्मा ने आज शाम 5 बजे तक प्रशासन को भगवा वाहन रैली के रूट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का एक बार फिर आग्रह किया। अगर शाम 5 बजे तक प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो विधायक ने अगली रणनीति बनाने की बात कही है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त बजरंग सिंह शेखावत, ACP फूलचंद मीना व थानाधिकारी हेमराज गुर्जर भी नगर पालिका पहुँचे, जहां विधायक रामलाल शर्मा ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बजरंग सिंह ने भी आज शाम को स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि लोगों के अंदर अशांति का वातावरण बने, ये किसी की भावना नहीं है। पर एक साथ इसने 108 के पाबंदी के 107-16 के पाबंदी के नोटिस देखे और सुने कि चौमू में भी पाबंद किया जा रहा है, गोविंदगढ़ में पाबंद किया जा रहा है, थोड़े दिनों खेजरौली में नंबर आने वाला है। मेरे ख्याल से आप सबसे मेरा एक निवेदन है, 31 तारीख को हमने प्रशासन से आग्रह किया था कि कोई रास्ता आप ऐसा निकाले जो आयोजन समिति है कार्यक्रम की उसके साथ बैठ के जो दीर्घकालीन शांति व्यवस्था के पथ के ऊपर आगे बढ़ सके। जिद हमारी नहीं है, समाधान का रास्ता आपको ही निकाला है। आप दोनों पक्षों की बात सुने, सुनने के बाद में ये लगता है कि अमुक पक्ष की ये बात बिल्कुल जायज है, आपको उस जगह स्टैंड लेना पड़ेगा। अमुक पक्ष की ये बात जायज है, उस जगह आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे किसी की भावनाओं में ये क्या था कि सुबह 9 बजे हम इकट्ठे होंगे, आपकी भावनाओं के आधार पे हम तय करेंगे कि रास्ता कौन सा बनाए। अभी भी प्रशासन से हमारी मांग यही है कि आप आयोजन समिति के साथ बैठ के उनको संतुष्ट करके जो आप इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं समाधान निकाले, हम उनके साथ हैं। लेकिन आप इसको डिले करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इसका समाधान आप निकाल दें। आपसे मेरा इतना निवेदन है, यदि आज प्रशासन के अधिकारी आलाधिकारी यहाँ मौजूद है, अभी आपके बीच में आके कह देंगे कितने बजे का समय वो देते हैं कि इतने बजे तक हम इसका समाधान कर देंगे। अगर समाधान हमारी भावनाओं के अनुरूप है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। और यदि समाधान नहीं निकलता है तो आप सबको सूचना दी जाएगी। इस तरीके से जी नहीं सकते, निकलेगा शांति का निकलेगा, और शांति के आधार पे हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम भी अशांति नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं शांति के साथ हम सब अपने अपने कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। ये भी नहीं है कि सिर्फ हम ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कार्यक्रम एक में अनेकों कार्यक्रम सब रूप रहता है, इसलिए कार्यक्रम सभी को आयोजित करने हैं। लेकिन कार्यक्रम वैसे ही आयोजित होंगे कि दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। आपसे मेरा इतना निवेदन है शांतिपूर्ण तरीके से, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह नैतिक धर्म रहता है कि किसी भी नागरिक की भावनाएं आहत नहीं हो, किसी की व्यक्ति के मेरे भड़काने से गलत मुख में नहीं लगे। आज की इन भावनाओं की वजह से कोई लंबे समय तक पीड़ित रहे, मैं कतई यह नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की सजा ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को मिले, मैं कतई नहीं चाहता। मैं इसका पक्ष कर भी नहीं, लेकिन इस बात का जरूर पक्ष करूं कि हमारी आस्था के ऊपर कोई कुटारा बात नहीं करे। आपसे मेरा इतना निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहेंगे, हमारे कार्यक्रम लोकतांत्रिक तरीके से रहेंगे, हमारे कार्यक्रम कानून से बाहर नहीं रहेंगे। अगर किसी को यह सब करने की इच्छा है वो आज ही अपने आप को अलग कर सकते।
वो ये कहे कि साहब मेरी तो सिर फोड़ नहीं गिरता है भैया, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, वो अपने आप को अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे मेरा इतना नहीं होता है। कल शाम को आह्वान पे आप इतनी संख्या के अंदर पधारे, आप सबका मैं आभारी हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ ये रास्ता शांति के आधार पर निकलेगा। एडिशनल एसपी भरत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे बीच में आके इतना बता दें कि हमारे इतने बजे तक कोई ना कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे किसी के सामने आज नहीं। और हम सब लोगों का नैतिक धर्म ये भी है कि हमारी आस्था के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं करे। प्रशासन से मेरा विनम्र शब्दों में इतना ही आग्रह है कि आप हल ऐसा निकाले किसी की भावनाएं आहत भी नहीं हो और ये परंपरा निरंतर रूप से जारी रहे। आज 5 बजे तक का समय इन्होंने दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारी भावनाओं के अनुसार निर्णय करेगा। जो भी निर्णय होगा उस निर्णय हमारी भावनाओं के अनुसार है तो हमारा 5 तारीख का कार्यक्रम भव्य होगा, कहीं कोई आशंका नहीं है। और उसमें यदि अपनी भावनाएं शामिल नहीं है तो जो भी सूचना होगी आप तक पहुंच दी जाएगी। धन्यवाद। सर निर्धारित नहीं रूट वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। प्रशासन द्वारा पहले भी वार्ताओं का दौर जारी है और हमारी कई दौर की वार्ताएं दोनों समुदाय के लोगों के और गणमान्य लोगों से हुई है। उस वार्ता जो ये उसका जो हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है वो सकारात्मक है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने वार्ता के बाद में रैली का जो रूट निर्धारित करने का लगभग जो रास्ता है वो तय है और उसी रूट के अनुसार आज शाम को इसके ऊपर जो संपूर्ण जो निर्णय है वो लेके शाम को बता दिया जाएगा। रैली निकलेगी या नहीं? बिल्कुल रैली निकलेगी। जो रूट तय किया गया क्या उसी रूट से निकलेगी? वो रूट जो हम लोगों ने इन सब लोगों के साथ बैठ के जो निर्धारित किया है उसी रूट पे निकलेगी। क्या समिति के लोगों से सहमत है क्या? वो हमारी बातचीत होगी लगभग वो आपको बता देंगे शाम को, उनके साथ दोबारा मीटिंग करके जो भी है डिसाइड करके बता देंगे। इसको लेकर प्रेस वार्ता कोई होगी इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, उस जो डिसाइड हुआ है उसके बाद में शाम को प्रेस वार्ता भी आप लोगों को बुलाया जाएगा और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। रैली को लेकर कोई महाभारत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं शुरू से लेकर अब तक बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रशासन को कठोर कदम उठाने की यदि आवश्यकता है तो वो उठाए, लेकिन जम्मू कस्बे में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं निर्णय करने की स्थिति में पहुंच रहा? आखिरकार उसको निर्णय तो करना पड़ेगा। आज जिन कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया उनके बुलाने का मेन उद्देश्य यही था, मैंने अपनी भाषण के अंदर अपनी बात ये रखी है कि प्रशासन को जो कुछ कहना है सबका पक्ष सुनते हुए जो उचित हो, जो जम्मू कस्बे की शांति व्यवस्था बनी रहे उसके हित में हो, जो कानून के दायरे में हो, जो लोकतांत्रिक तरीके से हो, जो संविधान ने जिनको अधिकार दिया उन अधिकारों की वो पालना करते हुए जो उनको कदम उठाने वो कदम उठाए। लेकिन आखिरकार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि प्रशासन को डर किस बात का है? आपको निर्णय आज नहीं तो कल करना पड़ेगा और जब कल निर्णय करना पड़ेगा तो बेहतर है कि आज ही आप निर्णय कर दें। 5 बजे का समय प्रशासन ने दिया है कि 5 बजे तक हम आज इसकी स्थिति स्पष्ट कर देंगे, भगवा रैली निकलेगी, उसका रूट निर्धारित कर देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन जन भावनाओं के आधार पर ये अपना निर्णय करेगा और जो वर्षों से चली आ रही जो परंपरा है उस परंपरा का निर्माण होगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ स्थायी समाधान जो निकल सकता है वो निकले, लेकिन उसके साथ साथ जन भावनाओं को भी वो ध्यान में रखे और जन भावनाएं अगर जिस रास्ते से निकलने की है तो प्रशासन उस रास्ते को तय करे। आज 5 बजे का समय प्रशासन ने दिया है, अगर 5 बजे तक उनमें सहमति नहीं बनेगी तो फिर आपको उसका नई खुलासा करेंगे।